हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द वीएस किचन। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और यहाँ पर हमने लिए हैं तीन टमाटर, इनको भी हमने काट लिया है। इसको डाल देंगे हम ऑयल के अंदर और अब हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। तो अब हम इनको गैस से उतार लेंगे, इनकी मिक्सी के जार में डालकर हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर को हमने पीस लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस की फ्लेम को रखेंगे लो पर और सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे दो बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर, इनको बटर को मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 तेजपात का पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा, 3 लौंग, 1 हरी इलायची और 3 से 4 यहाँ पर हमने लिया है काली मिर्च। तो इनको हम डाल देंगे ऑयल और बटर के अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और सबसे पहले हम मिर्च इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा जो हमने प्याज और टमाटर पीस के रखा था उनको। मिक्स करेंगे अच्छे से, गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, जिस मिक्सी के जार में हमारी ग्रेवी टमाटर और प्याज थी उसी में हमने पानी डाल दिया है। तो इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से बन चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे काजू का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने सिंपल काजू को मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। तो इसको हम डाल देंगे ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो कितनी थिक है। तो यहाँ पर हमारा शाही पनीर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून क्रीम। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 सेकेंड हम इसको मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा शाही पनीर है वो बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर लगा देंगे तड़का। आप चाहें तो तड़का स्किप भी कर सकते हैं, आप इस स्टेज पर इसके अंदर डाल सकते हैं बटर भी। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना इसकी जो ग्रेवी है कितनी बढ़िया बनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर तड़का लगा दिया है जीरे का। आप चाहे तो तड़के को स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है तड़का लगाना। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर हमारा शाही पनीर बनकर हो चुका है एकदम रेडी। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल द वीएस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।